الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى और उस वक्त को याद करो जब कहा मूसा अलैहि सलाम ने कौमी ही अपनी कौम के लिए इन अल्लाह यामुरुकुम कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं अन तज़बहु बकरा यह कि तुम ज़िबा करो गाय को। कालू उन्होंने कहा तत्तखिदुना क्या तू पकड़ता है हमसे, उन्होंने कहा मूसा क्या आप हमसे पकड़ते हैं हुजूआ मजाक। قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين फरमाया किसने सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने اعوذ بالله मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ अन अकून मिन الجاهلين ये कि मैं हो जाऊँ जाहिल लोगों में से। अल्लाह के बड़े बड़े इनामात में से जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर इनामात किए उनका तज़किरा हो रहा है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनमें से एक बहुत अहम वाक्य वो ये गाय का वाक्य। ये इतना अहम वाक्य है, इतना अहम वाक्य है कि इस पूरी अजीम तरीन सूरत जो कुरान करीम के अफसल तरीन सूरतों में से एक सूरत है जिसके बड़े फजाइल हैं कुरान और हदीस मुबारक में, इस पूरी सूरत को सूरतुल बकरा कहते हैं। और सूरतुल बकरा कहने की वजह क्या है, ये वाक्या ये गाय का किस्सा। तो ये हालांकि ये किस्सा तो इस सूरत की कितनी आयतों में मौजूद है, आयत नंबर 67 से शुरू हो रहा है और 68 69 70 71 72 तो ये चंद आया 72 तक, 67 से 72 तक या समझे 6 आयात। 6 आयात में अल्लाह ताला ने ये किस्सा बयान किया है। वैसे सूरह बकरा की कुल आयात कितनी है सर? 286। 286, 286। तो 286 आयात में से लंबी लंबी उनमें से, और आपको पता है इसमें वो एक सबसे लंबी आयत भी है जो पूरे एक पेज पर है, क्या कहते हैं उसको, जी सर, आयते तैन। आयते देन, आयतुल मुदायना। तो वो जो कर्ज वाली आयत है वो पूरे एक पेज की आयत है। तो इतनी लंबी लंबी आयात है इस सूरत में, तो इस सूरत की 286 300 के करीब आयात में से 6 आयतों में ये किस्सा मौजूद है। और ये किस्सा इतना अहम है, इतना अहम है कि इस पूरी सूरत को इस किस्से की वजह से, और इस गाय का किस्सा है इसलिए इसे सूरह बकरा कहते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है और एक बहुत बड़ा वाकया है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर फरमाया। ये कैसे बहुत बड़ा इनाम है? सर क्योंकि इस तरह इससे अल्लाह ताला ने जो वो यानी कि छुपाना चाहते थे हक को, अल्लाह ताला ने उसको जाहिर कर दिया था। यानी अल्लाह ताला ने बताया कि तुम कोई काम छुप कर करो, कोई बंदा कितनी ही सरगोशी में कोई काम करे, कोई बंदा कितना ही छुप कर कोई साजिश क्यों ना करे लोगों से छुपे। तो वो एक ये असल में वाकया है, बनी इसराइल का एक लाभ वाला शख्स था मालदार, उसकी औलाद कोई नहीं थी। तो उसका एक भतीजा मौजूद था, वही भतीजा उसका वारिस था। तो उस भतीजे ने उसके फौत होने का इंतजार नहीं किया बल्कि उसे कत्ल कर दिया ताकि मैं उसकी विरासत का मालिक बन जाऊं।
और उसने इस अंदाज से कत्ल किया कि पता न लगे किसी को, चोरी छुपे बड़ी साजिश करके, बड़ा छुप छुपा कर उसने कत्ल किया। तो पता नहीं लग रहा था कातिल कौन है। सैयदना मूसा अलैहि सलाम के पास वाकया आया, तो सैयदना मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने वही की कि कातिल का पता चलाना है तो गाय जिबा करनी होगी। गाय जिबा करके गाय का हिस्सा मैयत के साथ लगाया जाएगा, मैयत जिंदा होकर वो बता देगी कि मेरा कातिल कौन है। और ऐसा ही हुआ। तो एक तो इस किस्से से पता लगा कि यालमु खाइनत अल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह आंखों की खयानत भी जानते हैं और सीने के भेद भी अल्लाह ही जानते हैं। कोई काम अलल ऐलान हो दिन दिहाड़े हो, कोई काम रात की तारीकी में छुप छुपा कर हो, अल्लाह के लिए दोनों एक जैसे हैं। सवा मिनकुम मन असर अल कौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तखफिन बिल लैली व सारिबुन बिन नहार, बराबर है अल्लाह पर तुम में से कोई बंदा हल्की बात करे, कोई बंदा ऊंची आवाज से चीख कर बात करे, अल्लाह के लिए दोनों बराबर है। अमन हुआ मुस्तखफिन बिल लैली, कोई शख्स रात के अंधेरे में छुपने की कोशिश कर रहा है, छुप रहा है, रात का अंधेरा भी है और वो छुप भी रहा है। अमन हुआ सारिबुन बिन नहार, अमन हुआ मुस्तखफिन बिल लैली व सारिबुन बिन नहार, कोई बंदा दिन दिहाड़े सड़क के दरमियान चल रहा है, जिस तरह अल्लाह को वो नजर आता है और वो छुपा हुआ नहीं है दिन दिहाड़े, तो रात के अंधेरे में कोई शख्स छुप छुपा कर कोई काम करे तो अल्लाह के लिए दोनों काम एक बराबर है। अल्लाह हाजिर को भी जानने वाले हैं और अल्लाह गैब को भी जानने वाले, आलिमुल गैबी व शहादा। और ये इतना बड़ा अकीदा है, इतना बड़ा अकीदा है, ये हर शख्स को ये सीखना है अल्लाह के बारे में। इन अल्लाह कान अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहे हैं, एक एक चीज को अल्लाह देख रहे हैं। इन अल्लाह कान अला कुल्ली शैइन शहीदा, अल्लाह हर चीज पर गवाह है। ये इतना बड़ा अकीदा है कि हम में से हर शख्स को ये अकीदा सीखना है, खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। और सबसे पहले किसको सिखाना है अपने अलावा, अपने बच्चों को। सबसे पहले बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों को बचपन से सिखाना है कि अल्लाह हर चीज को देख रहे हैं। कैसे पता लगा हमें बच्चों को बचपन से सिखाना है, कहाँ से पता लगा? सैयदना लुकमान अलैहि सलाम के किस्से से। सैयदना लुकमान अलैहि सलाम का किस्सा कुरान में मौजूद है। हजरत लुकमान के किस्से में मौजूद है कि सैयदना लुकमान अलैहि सलाम ने अपने बेटे को क्या क्या नसीहतें की थी, क्या क्या नसीहतें की थी? सर, सबसे पहली नसीहत तो ये कि अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुल्म है बिल्कुल ठीक। जी। और और सर सर ये भी थी, जमीन पर जो है वो अकड़ के ना चलना। कई नसीहतें थीं। तो पहली नसीहत शिर्क से बचने की थी। वही قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم, ऐ प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर इसके बाद जो नसीहत की थी वो क्या नसीहत की थी? उसके बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। और फिर उसके बाद जो हजरत लुकमान अलैहि सलाम की जो दूसरी नसीहत है वो इसी बात की थी। ये देखिए, ये हजरत लुकमान का किस्सा है। आयत नंबर 13 में हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं शिर्क से बचने की। फिर दरमियान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, आयत नंबर 14-15 में। और फिर आयत नंबर 16 में हजरत लुकमान दोबारा उनका किस्सा शुरू हुआ। वो अपने बेटे को समझाते हैं या प्यारे बेटे इन्नहा इन तकूम इसकाल हब्बत मिन खरदल, कि अगर कोई चीज, कोई खैर, कोई शर, कोई नेकी, कोई बुराई वो राई के दाने के बराबर भी हो, फतकुन फी सखरतिन, फिर वो किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई भी हो, उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े खोल मौजूद हो, बड़े बड़े सख्त किस्म के, ना देखा जा सकता है ना उसको तोड़ा जा सकता है उस खोल को, कोई चीज किसी चट्टान के अंदर हो
राई के दाने के बराबर भी हो, या कोई चीज आसमान की वसतों में हो, या कोई चीज जमीन में किसी जगह पर हो। जमीन कितनी बड़ी है? फिर 7 जमीनें, जमीन एक भी नहीं है। जमीन कितनी बड़ी है, और फिर आसमान, आसमान के बड़ा होने का, तो आसमान कितना बड़ा है जमीन के मुकाबले में तस्वुर नहीं कर सकते। ये कायनात की जितनी भी वसत है, ये हमारी गैलेक्सी है, और एक गैलेक्सी में आप समझिए कि अरबों खरबों सितारे हैं, हमारे सूरज की तरह के सिस्टम है, अरबों खरबों, और कितनी गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, और ये कितनी बड़ी हैं हम तस्वुर नहीं करते। हम जितनी बड़ी दूरबीन हम बनाते जा रहे हैं, उससे बड़ी कायनात हमारे सामने आती जा रही है, उससे बड़ी कायनात। साइंसदान तो कहते हैं हम कायनात का 10% हिस्सा भी एक्सप्लोर नहीं कर सके, और ये तो साइंसदानों का ख्याल है, 10% हिस्सा अल्लाह को पता है, क्या पता वो 1% हिस्सा भी एक्सप्लोर कर सके हैं कि नहीं कर सके। ये कायनात कितनी वसी है, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, मैं कहीं सुन रहा था एक दफा, कहीं यूट्यूब पे कि देख रहा था कोई वीडियो, तो वो मिल्की वे जो है उसका एक साइड से दूसरी साइड का फासला अगर उसका अंदाजा किया जाए, तो साइंसदान कहते हैं कि वो कितना फासला है सिर्फ मिल्की वे का, हमारी कहकशां का। वो कहते हैं कि 1 लाख नूरी साल, 1 लाख लाइट ईयर का फासला है मिल्की वे के एक तरफ से दूसरी तरफ का। 1 नूरी साल, 1 लाइट ईयर कितना होता है, यानी 1 साल के अंदर बिजली जितना सफर करे रोशनी, और रोशनी की रफ्तार क्या है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1,86,000 मील पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर तकरीबन 1 सेकंड में, आप तसव्वुर कर सकते हैं उसको, आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट में रोशनी जितना सफर करती है, उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो 1 घंटे में रोशनी कितना सफर करती है, वो जवाब आएगा, आपके कैलकुलेटर जवाब दे देंगे। उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 दिन में रोशनी कितना सफर करती है, उसको आप 12 से जरब देंगे तो, उसको आप 30 से जरब देंगे तो 1 महीने में रोशनी कितना सफर करती है, फिर उसको 12 से जरब देंगे तो 1 साल में रोशनी कितना सफर करती है। हमारे सारे हिसाब किताब जवाब दे देते हैं। ये सिर्फ मिल्की वे, और मिल्की वे कितनी छोटी कहकशां है, कितनी छोटी गैलेक्सी है दीगर गैलेक्सीज के मुकाबले में, और ये सारी की सारी गैलेक्सीज ये पहले आसमान के नीचे हैं। जितनी वसत है कायनात की, जितनी वसत है, ये सारी की सारी पहले आसमान के नीचे है। कैसे हमें पता लगता है ये पहले आसमान के नीचे है? وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो हमें जितने हमें चराग नजर आते हैं आसमानों में, ये सितारे कह लें, सैयारे कह लें, ये गैलेक्सीज कह लें, हमें जो कुछ आसमानों में नजर आता है, तो ये आसमान दुनिया की जीनत है। इसकी जीनत है आसमान दुनिया की। आसमान दुनिया क्या है? पहला आसमान। ये सब कुछ पहले आसमान से नीचे नीचे है, जितना हमें कायनात में वसत नजर आती है। पहले आसमान से ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता, या कोई देख ही नहीं सकता, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ले जाए किसी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ले गए, मौजजाती तौर पर मेराज करवाया। दूसरा आसमान कितना बड़ा है, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा आसमान, ये आसमान कितने बड़े हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इतने आसमान इतने बड़े हैं, और इनकी वसअतों के अंदर कोई जर्रा बराबर चीज हो, आप तसव्वुर कर सकते हैं? आसमान की वसअतें हों और जर्रा बराबर चीज हो, असल में एक छोटी जगह हो, एक छोटी चीज हो, छोटी चीज को देखना आसान होता है।
एक चुनती है, एक चुनती दूसरी चुनती को पहचान लेती है। चुनती छोटी है ना, जितनी छोटी मखलूक है अल्लाह ने उसको उतनी ही बारीक आंखें दी हैं, वो दूसरी मखलूक को उतनी ही बारीकी से वो देख लेती है, वो पहचान लेती है कि ये चुनती। क्या हम इंसान एक चुनती को देखकर दूसरी चुनती से उसका फर्क कर सकते हैं? एक चुनती को हम पहले देखें, एक चुनती को हम 1 घंटे बाद देखें, हमें नहीं पता वो पहली ही चुनती है कि कोई दूसरी चुनती है। क्या ख्याल है? क्योंकि हम बड़े हैं तो हम चीजों को बड़े अंदाज से देखते हैं। तो ये तो इंसानों के हवाले से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वलिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तो ये मिसाल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते। सारे आसमान और हर चीज क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दाएं हाथ की लिपटी होगी। यौम नतवी समा कतई सिजिल लिलकुतुब, क़यामत के दिन हम आसमानों को लपेट लेंगे। और कुरान करीम में आता है والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين, सारी जमीनें, सातों के सातों जमीनें अल्लाह की मुट्ठी में होंगी क्यामत के दिन, जैसे अल्लाह की शान को लाइक, और आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के दाएं हाथ के लिपटे होंगे। सारे आसमान, अल्लाह इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, तो इतने बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी कायनात की वसत में जर्रा बराबर चीज को सिर्फ देखते नहीं है, सिर्फ देखते नहीं है। ऐ प्यारे बेटे, अगर कोई चीज जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर हो, फिर वो किसी चट्टान के अंदर हो, या वो आसमानों की वसतों में हो, या वो जमीन के अंदर हो, अल्लाह सिर्फ जानते नहीं है, अल्लाह उसको ले भी आएंगे क्यामत के दिन। कोई जर्रा बराबर नेकी है या जर्रा बराबर गुनाह है, किसी चट्टान के अंदर छुप कर हुआ है किसी जगह पर, आसमान की वसतों में अंदर कोई चीज है, तो अल्लाह सिर्फ उसको जानते नहीं है। आज अगर अगर एक जर्रा आसमान की वसतों में आज मौजूद है, अल्लाह ने जमीनों आसमान की पैदाइश से भी 50,000 साल पहले, कितने हजार साल पहले अल्लाह ने लोहे महफूज में लिखे है कि वो जर्रा उस वक्त, उस दिन, उस घंटे, उस वक्त में, वो कायनात की वसत में उस जगह मौजूद होगा। अल्लाह को तो अजल से पता है। तसव्वुर कर सकते हैं आप? हमारा ज़हन काम करना बंद कर देता है। ये है अल्लाह की अजमत और अल्लाह की वसत। और अल्लाह, इन्नल्लाह लतीफ़ुल ख़बीर, बेशक अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन है, बहुत खबरदार है। तो ये बात बच्चों को सिखानी है हमें, सबसे पहले खुद सीखनी है, खुद अकीदा रखना है। और ये सिर्फ हमारा अकीदा 2 जमा 2 4 की तरह ना हो, इस पर हमें अमल करना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम सिफ़त को पर ईमान रखते हुए हमें अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी है, चाहे हम लोगों के सामने हों चाहे हम अकेले हों। तो यहाँ ये सबक मिला हमें कि रात के अंधेरे में छुप छुपा कर बड़ी प्लानिंग करके भी अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो अल्लाह से नहीं छुप सकती, और अल्लाह ताला जब चाहे उसको तश्त अजबाम कर ले, जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ कर दिया। उस भतीजे ने बड़े छुप छुपा कर वाकया मामला किया, मरने के बाद, चाचा के मरने के बाद उसको मिल जाना था, उसने इंतजार ना किया, उसने कहा मैं पहले हासिल करूं, तो उसने ज्यादती की, जुल्म किया, कत्ल किया, अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया। और दूसरी बात का क्या पता लगा? अकीदा, ईमान बिल यौमिल आखिर, मरने के बाद की जिंदगी, अल्लाह पर ईमान लाने के साथ आखिरत पर ईमान, ये ऐसा अकीदा है कि अगर हम सही तरीके से इस अकीदे को मान लें और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो इंसान गुनाह कैसे कर सकता है? सूरह मुतफ़िफ़ीन पढ़ें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माप तोल में कमी करने वालों के लिए वैल है, हिलाकत है। अल्लज़ीन इक्तालू अला नासी यस्तौफून, जब लोगों से वजन लेते हैं, माप लेते हैं, पूरा पूरा मांगते हैं, वइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून, जब लोगों को माप करके देते हैं, वजन करके देते हैं, कम करके देते हैं, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये नहीं यकीन रखते कि इनको उठाया जाएगा एक दिन, अल्लाह के सामने पेश होना है। बस दुनिया की जिंदगी नहीं है, दुनिया के अंदर भी सजा मिलती है, दुनिया के अंदर भी बाज दफा इंसान अपने अमाल का सिला पाता है, लेकिन वो एक छोटी सी झलक होती है, असल सजा तो आखिरत में है, अल्लाह के सामने पेश होना है।
क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि इन्हें उठाया जाएगा यौम नाज़ीम, एक बहुत बड़े दिन के लिए, यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तसव्वुर कीजिए कि हम कितने बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं। क्या हम, अगर अल्लाह ताला हमें इस वक्त फौत कर दे, अल्लाह माफ़ करे, हमें तौबा का मौका ना मिले, तो क्या हम अल्लाह का सामना कर सकते हैं, अल्लाह को हिसाब दे सकते हैं? ये मरने के बाद की जिंदगी का अकीदा साबित होता है इससे। बहुत फवायद है इस किस्से में, और ये जब इंसान इस किस्से को पढ़ता है और इस पर ईमान लाता है, तो इसमें इंसान का बहुत बड़ा फायदा है। इससे बड़ा फायदा क्या होगा? इंसान को अपने रब की मारिफत हासिल हो, अपने रब की सिफात का पता लगे, इंसान इन बातों पर अकीदा रखे, और अकीदा रख कर इंसान अपने आप को गुनाहों से, कमी कोताही से बचाने की कोशिश करे। अगर बशरी तकाजे के तहत गलती हो जाए तो इंसान को फिर चैन ना आए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तौबा करने से पहले फौत हो जाऊं और फिर अल्लाह ताला मेरी पकड़ करे, फिर चैन ना आए। हजरत मालिक, हजरत माइज असलमी, जिना हो गया एक सहाबी से, जिना तो हो गया बशरी तकाजे के तहत, लेकिन चैन नहीं आ रहा। लोग रोकते हैं, लेकिन वो जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आपके सामने हाजिर होते हैं, इकरार करते हैं, अल्लाह कसम मैंने गुनाह किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मोड़ लेते हैं, चेहरा फेर लेते हैं, वो इधर आके बताते हैं अल्लाह कसम मैंने गुनाह किया है, आप फिर चेहरा फेर लेते हैं, वो इधर आकर कहते हैं अल्लाह कसम मैंने गुनाह किया है, मुझे पाक करें, आप सलम चेहरा फेर लेते हैं, चार दफा वो इकरार करते हैं। उनको पता है कि बड़ी से बड़ी सजा मिल सकती है, बड़े से बड़ा सख्त ऑर्डर आ सकता है अल्लाह की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला फरमाएंगे वो अल्लाह की तरफ से फैसला होगा, और पीछे भी पिछली शरीयतों में भी बड़ी सख्त सजाएं रही हैं, रजम तौरात में भी मौजूद है इसका हुक्म, पिछली किताबों में भी मौजूद है, शादीशुदा शख्स जिना करे। लेकिन उनको था, पता था कि बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, लेकिन वो क्या चीज थी उनके अंदर कि जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रही? यही बात, आखिरत पर ईमान। चलो, कोई बंदा कह सकता है कि जो उनको पता नहीं था कि पहली दफा रजम की सजा का हुक्म आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार दफा उन्होंने इतराफ किया, वो चार दफा इतराफ करना गोया कि चार गवाहियों के बराबर हो गया, जिना के चार गवाह होते हैं तो चार दफा इकरार कर लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, आपने पूरी तरह तहकीक की कि वाकई ही जिना हुआ है, कि मुकदमात हैं, तो पता लगा कि जिना हुआ है बकायदा, सिर्फ मुकदमात नहीं है, इब्तदाई मामलात नहीं है। आपने फरमाया जाओ जाओ ले जाकर इन्हें रजम कर दो, उन्हें बाहर जाकर रजम रजम कर दिया गया। तो बंदा कह सकता है कि जी उन्हें पता नहीं था, और फिर वो तो अचानक ही, उनका ख्याल था शायद माफी मिल जाएगी। नहीं, वो जिन खातून के साथ जिना किया, कुछ अरसा गुजरा, वो खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई, जिना का हुक्म आ चुका है, सजा आ चुकी है, शादीशुदा जानी उसको रजम कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा, बड़ी सख्त सजा है, इससे सख्त सजा क्या हो सकती है? लेकिन ये वो नुफूस कुदसियां हैं कि जिनकी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, वो औरत जात है, औरत जात आ जाती है आपकी खिदमत में, अल्लाह के रसूल मुझे भी पाक कर दीजिए, वो क्या हुआ है, वो आपने मुझे माईज असलमी को आपने रजम किया है, तो वो मेरे साथ ही तो उसने जिना किया था, मुझे भी पाक कर दीजिए नबी करीम। और ये कोई फौरी एक वक्ती कोई जज्बा नहीं है, ये वो तरबियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा मैं तो हामला हूँ, मुझे तो हमल ठहर गया जिना की वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वजा हमल होने का इंतजार करो, कि बिल्कुल हो जाएगी फिर आना। वो वजा हमल होने का इंतजार करती हैं, कोई जेल में भेजने का हुक्म नहीं है, कोई कैद नहीं किया गया, सजा क्या मिलनी है? सख्त तरीन सजा है, पत्थर मार मार के मार देना है, लेकिन तैयार है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह का डर है कि अगर दुनिया में पाक ना हुए, दुनिया में सजा ना मिली, तो आखिरत में पकड़ ना हो जाए, ईमान बिल यौमिल आखिर इसी को कहते हैं, यही तरबियत अल्लाह ताला करना चाहते हैं। वक्ती कोई कोई फैसला नहीं है, कोई वक्ती कोई जज्बाती फैसला नहीं है,
9 महीने गुजारने के बाद डिलीवरी हो गई, फिर हाजिर हो जाती हैं, खुद आ जाती हैं अपने कदमों से चल कर, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए। आप फरमाते हैं बच्चा है, बच्चे का क्या करेंगे? फरमाया जाओ बच्चे को दूध पिलाओ हत्ता कि बच्चा रोटी खाने के काबिल हो जाए। फिर 1 साल का 2 साल का इंतजार, क्या तरबियत है और क्या ईमान है, आप तसव्वुर कर सकते हैं। औरत जात है, तो वो फिर जब बच्चा खाना खाने के काबिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, ऐ अल्लाह के रसूल आप पाक कर दीजिए। फिर वक्ती जज्बाती फैसला नहीं है, कुछ साल 2 साल का इंतजार करने के बाद ईमान की वही कैफियत है। तो ये तरबियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये इस्लाम हमें इस ईमान बिल यौमिल आखिर का हमें हुक्म देता है और हमें ये सिखाता है। और इसके लिए हमारे सामने मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम की मिसाल है। कितनी जबरदस्त मिसाल है, हमारे मिसालें हैं हमारे सामने। ये माइक अपने बंद कर दें, ये किनका माइक चल रहा है? तो इस वाक्य से हमें ये अकीदा मिलता है मरने के बाद की जिंदगी। कुरान करीम के एक एक किस्से में, कुरान करीम के एक एक आयत में हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सबक है। जी मिस जमीला, I'm so sorry. I wanted to know के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेरा उसके रीजन क्या थी? उसकी रीजन क्या थी? हम कह सकते हैं उसकी रीजन ये थी कि कोई एविडेंस नहीं था, कोई गवाह नहीं था। किसी को किसी ने जिना किया हो, बेहयाई की हो, तो 4 गवाह हो तो उसको सजा मिलती है। यहाँ कोई गवाह नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था जिसने देखा हो। अब उन्होंने एक दफा इतराफ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह इसलिए फेरा, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं, कि अभी तो एक दफा इतराफ हुआ, एक दफा इतराफ, एक दफा ये कहना कि मैंने जिना किया है, गोया कि ये एक गवाही के कायम मुकाम हुआ। और ये वजह भी हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि इस पर इल्जाम साबित नहीं हुआ। जब इल्जाम साबित नहीं हुआ, देखिए इस्लाम चाहता है, इस्लाम नहीं चाहता कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजाएं दी जाए, ये बात जरा ज़हन में रखिए। इस्लाम नहीं चाहता लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजाएं दी जाए, इस्लाम में ये है लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा से बचाया जाए, बिला वजह लोगों को सजा न दी जाए, जुर्म साबित ना हो तो लोगों को सजा न दी जाए, अगर कोई शुबा आ जाए, कोई शक आ जाए, फिर भी सजा न दी जाए। बड़ा मशहूर कायदा है शरीयत का, जो तो किताबों सुनने से निकला है, इदराउल हुदूद अबी शुबुहात, कि किसी पर हद साबित होती हो ना, अगर कोई शुबा आ जाए तो उस हद को दूर कर दो। यानी गोया कि इस्लाम ये चाहता है, किताबों सुन्नत के दलाइल से पता लगता है, कि हमें मुजरिम को, मुजरिम पर जुर्म साबित करने में बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर कोई शक का फायदा पहुंचे मुजरिम को, तो मुजरिम को शक का फायदा देना चाहिए और उस पर हद नहीं लगानी चाहिए। कोई मुजरिम बाज दफा लगता है कि मुजरिम है, बाज दफा लगता है मुजरिम नहीं है, तो शक का फायदा देना चाहिए मुजरिम को। आपने मुंह मोड़ा गोया कि आपने चाहा कि अल्लाह ने अगर तुम्हारा गुनाह छुपा लिया है और तुम्हारा जुर्म जिना एक जुर्म है, अगर वो मुझ तक नहीं पहुंचा, अदालत तक नहीं पहुंचा, तो छुपा ले कोई शख्स, अगर अगर हजरत माईद असलमी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना होते, फर्ज करें खिदमत में हाजिर ना होते और अल्लाह से तौबा कर लेते, तो क्या उनकी तौबा कबूल ना होती? बिल्कुल होती। अगर आज कोई शख्स किसी से गुनाह हो जाए, किसी से चोरी हो जाए, किसी से कोई ऐसा मामला हो जाए, अगर वो पकड़ा ना जाए और वो शख्स तौबा कर ले अल्लाह के हुजूर, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को अदालत के सामने पेश करे। अदालत में पेश करना जरूरी नहीं है अपने आप को। हाँ, अगर किसी शख्स को पकड़ लिया जाए वारदात करते हुए, फिर अदालत उसका जुर्म माफ नहीं कर सकती। नबी भी किसी का जुर्म माफ नहीं कर सकते अगर जुर्म साबित हो जाए तो। हमारे यहाँ तो हुक्मरान जुर्म माफ कर देते, सजाएं माफ कर देते हैं हमारे यहाँ,
ईद आती है, दीगर खुशी के मौके आते हैं, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो सजाएं माफ कर देते हैं, सजाएं कम कर देते हैं। ये सजाएं कम करने का, माफ करने का अख्तियार तो किसी के पास नहीं है। वो एक औरत ने चोरी की थी, मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ। वो एक आला कबीले की खातून थी, उसका नाम फातिमा था। तो अब उस कबीले वालों ने चाहा कि हमारे कबीले की औरत को सजा न मिले, तो उसने सिफारिश करवाई। किससे सिफारिश करवाई? हजरत उसामा बिन जैद से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे थे। उन्होंने सिफारिश की, अल्लाह के रसूल, अगर इसका मामला दरगुजर कर दिया जाए तो आप बड़ा नाराज हुए। आपने फरमाया, अतशफाउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की हदों में से किसी हद में सिफारिश करते हो? फरमाया कि अगर ये तो फातिमा मखजूमिया है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। और फरमाया कि पिछली कौमों में ऐसा ही होता था कि कोई गरीब जुर्म करता था तो गरीब शख्स पर सजा नाफिज करते थे, कोई अमीर जुर्म करता था तो वो इसी तरह हीले बहाने करके, सिफारिशें करके वो मामला उसका आया गया कर देते थे। अगर तो मामला अदालत में आ जाए, फिर तो सजा माफ कोई भी नहीं कर सकता। जिसने अगर किसी शख्स की चोरी हुई है, अगर चोरी साबित हो जाए अदालत में, अब उस शख्स का हाथ कटेगा, अब तो जिसकी चोरी हुई है वो भी माफ नहीं कर सकता। रिसम वार्का में आता है कि एक शख्स की चादर चोरी हो गई, उसने शिकायत लगा दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और पता लगा कि उस शख्स ने चोरी की है, तो आपने फरमाया इसका हाथ काट दिया जाए। तो वो जिस शख्स की चादर चोरी हुई थी, वो कहने लगा, नहीं, मैं तो नहीं चाहता था कि बेचारे का हाथ ही कट जाए, मेरी तो चादर चोरी हुई थी, मेरा तो छोटा सा नुकसान हुआ था, मैं नहीं चाहता इसका हाथ कट जाए, तो इसको छोड़ दें अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, अब नहीं। आपने फरमाया, मामला जब अदालत में आ गया है, इस पे जुर्म साबित हो गया है, अब इसकी सजा माफ नहीं हो सकती। अब तो जिसका सामान चुराया है वो भी माफ नहीं कर सकता। लेकिन अगर जुर्म साबित ना हो, फिर हमें यही हुक्म है कि हम कोशिश करें कि उस शख्स को सजा ना दी जाए, शुबा मौजूद हो सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मोड़ा कि ये शख्स एतराफ ना करे, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे, अपने जुर्म को छुपाए, अल्लाह ताला इसके जुर्म माफ कर देंगे। लेकिन वो सहाबा के राम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी, अगरचे वो अगर अपना जुर्म छुपा लेते और अल्लाह के हुजूर तौबा करते तो अल्लाह ताला उनका गुनाह माफ कर देते, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी तौबा करनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को पाक करना चाहा, उनका दिली इत्मीनान नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, दुनिया की जो मर्जी सजा मिल जाए, आखिरत में हम बिल्कुल पाक साफ हों। और ये तरबियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये ईमान है, ईमान बिल यौमिल आखिर। असल में ये ईमान मौजूद हो फिर जुर्म नहीं होते, फिर अमनो अमान कायम होता है। इस्लाम में ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा दी जाए, इस्लाम में ये है कि कोई भी जुर्म हो, उस जुर्म को तहकीक उसकी पूरी की जाए, और अगर जुर्म साबित हो जाए फिर ऐसे शख्स को इबरत का निशान बनाया जाए। एक शख्स को लोगों के सामने इबरत का निशान बना दिया जाए, पूरे मुआशरे से वो जुर्म खत्म हो जाता। अगर एक शख्स को किसास में कत्ल कर दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं जी वो पहला शख्स तो कत्ल हो गया, दूसरे शख्स को कत्ल करने की क्या जरूरत है कातिल को? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वाला तुम फिल किसास हयातुन, अगर तुम किसास लोगे, कातिल को कत्ल कर दोगे, तो ये आप ये नहीं कि एक तो कत्ल हो गया, दूसरे को कत्ल करने की क्या जरूरत है, या आप पूरे मुआशरे को जिंदगी दे रहे हैं, पूरा मुआशरा बच जाएगा। लेकिन हर एक शख्स ने कत्ल किया है कि नहीं किया, उस पर बिला वजह कत्ल का जुर्म साबित कर दिया जाए, नहीं। जुर्म साबित करते हुए हर किस्म के शकूक व शुभात का फायदा मुजरिम को जाएगा। अगर हर तरीके से जुर्म साबित होता है, फिर उसको सजा दी जाएगी, और वो सजा ऐसे दी जाएगी, अलल एलान सजा दी जाएगी, सरेआम सजा दी जाएगी। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुन मिनल मुमिनीन। बहरहाल बातें बहुत लंबी हैं, क्लियर हो गया आपके सामने कि नबी हसन ने क्यों मुंह मोड़ा? यस सर, सो लाइक हम कह सकते हैं कि बिना इन अहादीस पर इट्स एनकरेज के लाइक आप जो है अब लाइक तन्हाई में अल्लाह सुबहान व तआला से माफी मांग के किसी के सामने जो है अपना गुनाह या वो आश्कार ना करे, इज इट एनकरेज के लाइक इज बिल्कुल दिस द ठीक है, रेफरेंस बिल्कुल यही है? ठीक है।
जरूरी नहीं है। देखिए, अगर ओके एक शख्स अपना गुनाह, एक शख्स से जुर्म हो गया, गुनाह हो गया, इंसान है ना, इंसान के अंदर अल्लाह ने चीजें रखी हैं, अगर गुनाह हो जाए किसी से तो उसको अपना गुनाह छुपा लेना चाहिए। अपना गुनाह अगर ना लोगों के सामने जाहिर करे और उसका जुर्म लोगों के सामने जाहिर ना हो, वो अल्लाह से तौबा करे, हाँ ये उसको करना होगा। अगर किसी पे ज्यादती हुई है तो वो उस शख्स से ज्यादती पूरी कर दे, चोरी छुपे, किसी का चोरी किया था उसकी चोरी वापस कर दे, किसी ऐसे तरीके से वापस कर दे के ना बताए मैंने चोरी की है, किसी और तरीके से वापस कर दे। लेकिन वो अगर अल्लाह से तौबा करे, अपना जुर्म ना वाजे करे, अगर वो ना पकड़ा जाए, तो अगर अल्लाह ने उसका जुर्म दुनिया में छुपाया है, अगर वो तौबा कर ले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको आखिरत में भी माफ कर देंगे। अगर हुकूकुल इबाद का मसला है तो हुकूकुल इबाद का मसला उसे हल करना होगा किसी भी तरीके से। लेकिन वो अगर तौबा कर ले, अपना जुर्म ना अदालत में पेश करे, तो ये बात इनकरेज की जाएगी। वल्लाहु आलम। तो बात ये हो रही थी कि इस किस्से में बहुत बड़े फवाइद, बहुत बड़े फवाइद। इन फवाइद में से एक फायदा ये भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम गाय को ज़िबह करो। कालू उन्होंने कहा, अतत्तखिदुना हुजुआ, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? जी, उन्होंने कहा आगे से, उन्होंने कहा मूसा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? उन्होंने ये बात क्यों कही? उन्होंने ये बात इसलिए कही कि वो ये करना नहीं चाहते थे। बनी इसराइल के ऐसे आमाल हैं, ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ने जिक्र की हैं, उनके पोल खोले हैं अल्लाह ताला ने, क्यों कैसे अजीब लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से बनी इसराइल पर बहुत बड़ा एहसान किया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन और फिरौन के जुल्म से बचाया था। अगर मूसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल ईमान रखते थे और वो कहते थे ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन किस तरह सईदना मूसा अलैहिस्सलाम को वो तंग करते थे। बकायदा कुरान में है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम मुझे क्यों अजियत देते हो, हालांकि तुम जानते हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सूरह सफ़ में मौजूद है, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। उस वक्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, तुम मुझे क्यों अजियत देते हो, हालांकि तुम जानते हो बखूबी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ। तुम मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो और तुम मुझे अल्लाह का जलील कदर पैगम्बर मानते हो, कलीमुल्ला हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम उसके बावजूद मुझे अजियत देते हो, मुझे तकलीफ देते हो। यहाँ भी यही मामला हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं गाय ज़िबह करो, गाय ज़िबह करने से तुम्हारा मसला हल होगा। वो आगे से मजाक उड़ाने लगे। मजाक उड़ाने का क्या अंदाज है? हीले बहाने, अगर मगर, कहने लगे मूसा आप हमसे मजाक कर रहे हैं। हजरत मूसा आगे से कहते हैं, काला, फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। हजरत मूसा फरमाते हैं, जब उनकी कौम ने कहा आप हमसे मजाक कर रहे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल सीरियस थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्ला, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, ये छोटी बात है कोई, यानी मैं दी तो यानी जब नबी अपनी कौम को कोई बात कहता है अल्लाह की तरफ से, कोई मजाक तो नहीं कर रहा नबी, वो तो बड़ी सीरियस बात है, अल्लाह का हुक्म है। और नबी को आगे से ये कहना है कि आप हमसे मजाक ना करें, अल्लाह के हुक्म मजाक होता है? वलियाज़ु बिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। हज़रत मूसा ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये तो जहालत है कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म के नाम पर, मैं तुमसे मजाक, मैं तुम्हें कहूं कि अल्लाह तुम्हें गाय गाय ज़िबह करने का हुक्म देते हैं और अल्लाह ने हुक्म ना दिया हो, और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। कौम ने कहा आगे से आप हमसे मजाक करते हैं, ये कितना बड़ा इनकार, ये कितना बड़ा इस्तेहजा है नबी के साथ, आप तसव्वुर कर सकते हो।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, क्या पता लगा इससे। क्या पता लगा इससे? आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। इससे ये पता चला कि जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात के साथ मजाक करना जाहिलों का रवैया है। दीनी अहकामात में मजाक करना और इसको खेल तमाशा समझना और इसको खेल तमाशे के अंदाज में बयान करना, या लोगों को अल्लाह का कोई हुक्म सुनाया जाए, लोग आगे से ठट्ठा मजाक करें, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत मूसा कहते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं ऐसा काम करूं, मैं अल्लाह का नाम, क्योंकि हज़रत मूसा ने क्या कहा था, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि गाय को ज़िबह करो। क्या नबी ऐसी बात मजाक में कह सकता है? अगर नबी ऐसी बात मजाक में कह सकता है तो दीन तो सारा, उसकी क्या हैसियत रही दीन की? इसका मतलब है कि नबी ने और हुक्म भी शायद मजाक में ही दिए हों। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, यानी ये जहालत है कि दीन की बात करते हुए मजाक किया जाए। जो शख्स भी अल्लाह रसूल के अहकामात का ठट्ठा करता है, मजाक उड़ाता है और उसके साथ इस किस्म का रवैया रखता है जैसे यहाँ है, तो इससे बड़ी जहालत क्या होगी? और आपको पता है, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ईमान बिल गैब से मुतालिका चीज़ों में ठट्ठा मजाक करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जन्नत जहन्नम के बारे में, फरिश्तों के बारे में, हूरों के बारे में, दज्जाल के बारे में और इस किस्म की दीगर चीज़ों के बारे में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं बकायदा। कुछ लोग बड़ा ही अजीब अंदाज रखते हैं। ये जहालत है, इससे बड़ी जहालत कोई नहीं है। अल्लाह के साथ मजाक, रसूलुल्लाह के साथ मजाक, अल्लाह की आयतों के साथ मजाक, ये कुफर होता है। और ये समझना कि नबी मजाक कर रहा है, नबी को ये कहना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिल हो जाऊं, मैं अल्लाह का दीन पेश करते हुए इस किस्म की कोई बात करूं। वाला इंसान तो हम लयकुलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूज व नलअब, सूरह तौबा में है कि मुनाफिकीन बाज दफा कोई ऐसी बात कर देते, बड़ी अजीब सी बात कर देते, उनसे सवाल होता कि तुमने ये बात क्यों कही है, वो कहते थे हमने तो असल में मजाक करते हुए ये बात कही है, हम तो खेल रहे थे, हमने तो खेलते हुए तमाशा करते हुए ये बात कही है, हमारा असल मकसद नहीं था कि हम इस किस्म की बात करें। तो आगे से उनको कहा गया, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहजीउन, क्या अल्लाह के साथ और अल्लाह की आयतों के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ तुम मजाक करते हो? ला तअतज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम अपना उजर पेश न करो, तुम काफिर हो चुके हो अपने ईमान के बाद। अल्लाह के साथ, रसूल के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ मजाक, ये कुफर है। अल्लाह माफ करे। कभी दीन के किसी हुक्म के बारे में ठट्ठा ना करें, मजाक ना करें, कभी उसको हल्का ना लें। बाज लोग दाढ़ी को मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, बाज लोग हिजाब को मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, बाज लोग अल्लाह रसूल के अहकाम को, मर्दों को हुक्म है शलवार टखनों से ऊपर करें, मिस पिंडली तक करें, बाद लोग इन चीजों को मजाक बनाते हैं, जी वो आपको अपनी शलवार नहीं मिली, छोटे भाई की शलवार पहनाए हैं, इस किस्म के लोग मजाक करते हैं, अल्लाह माफ करे। बाद लोग टोपी को मजाक बनाते हैं, बाद लोग दीन के अहकाम को मजाक करते हैं, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। अच्छा, यहाँ से पता लगा दीन में, दीन के मामले में मजाक करना ये बहुत बड़ी जहालत है और ये कुफर तक बात पहुँच जाती है, और ये मुनाफिकों का रवैया है, अल्लाह माफ़ करे, ये बनी इसराइल का रवैया था। अच्छा, यहाँ से हमें जहालत का माना भी पता लगता है। जहालत किसे कहते हैं? जहालत किसे कहते हैं? हम समझते हैं जहालत का मतलब है कि किसी शख्स के पास इल्म नहीं है,
कोई शख्स लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, शायद वो जाहिल है। हम कई दफ़ा जहालत से मुराद ये लेते हैं, फलां शख्स जाहिल है, यानी फलां शख्स तो अनपढ़ है। नहीं, जहालत उसे नहीं कहते। किताब व सुन्नत की इस्तेलाह में जहालत किसे कहते हैं? जो हक को ना पहचान सके। ठीक है, जो हक को ना पहचान सके ये भी जहालत है। और जहालत किसे कहते हैं? हजरत मूसा कहते हैं, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिल हो जाऊं। क्या मतलब? सर, यहाँ से ये समझ आ रही है कि जो मजाक करने वाले होते हैं वो उनका शुमार जाहलों में होता है, तो बिल्कुल वो ठीक, जा बिल्कुल ठीक। यानी दीन के मामलात में, अल्लाह रसूल के अहकामात में मजाक करना। हजरत मूसा ने कहा, तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने शायद मजाक किया है, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिल हो जाऊँ। क्या मतलब मैं जाहिल हो जाऊँ? मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं तुम्हें अल्लाह का हुक्म बयान करते हुए मजाक करूँ। तो कभी दीन की बात करते हुए कोई शख्स मजाक करे तो गोया कि वो सबसे बड़ा जाहिल है। ठीक है, ये भी जहालत है। और जहालत में क्या आया? आप इस तरह करके जहालत की बहुत सारी मिसालें पेश कर सकते हैं। कोई ऐसा एक डेफिनेशन करें जहालत की जिसमें सब मिसालें आ जाएं। एक तो ये भी है ना कि हक को पहचान तो लिया, पहचान कब हासिल हो जाती है, लेकिन उस पर अमल करने में तावील अगर इंसान दे तो वो भी जहालत होती है। बिल्कुल ठीक, ये भी जहालत है, ये भी जहालत है। आप लोगों ने जो जो मिसालें पेश की हैं सब जहालत है। ये जहालत की मिसालें हैं। असल में जहालत कहते किसको हैं? हम समझते हैं जहालत ला इल्मी को कहते हैं, लेकिन एक बंदा लिख ना सके, पढ़ ना सके, वो जहालत है। ये असल में जहालत नहीं है। असल जहालत क्या है? जहालत है अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी, अल्लाह को नाराज करना। ये है जहालत सबसे बड़ी। अगर एक जुमले में मैं जहालत की डेफिनेशन करना चाहूँ, जहालत है कि अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करने की बजाय अपनी मनमानी करना, अल्लाह रसूल के अहकाम के खिलाफ काम करना, अल्लाह रसूल हुक्म दें उसको मजाक कह देना, ये भी जहालत है। अल्लाह रसूल के अहकाम को ना माना जाए, ये भी जहालत है। अल्लाह को नाराज किया जाए, ये भी जहालत है। आपको पता है कि यानी एक शख्स इल्म हासिल करके भी जाहिल हो सकता है। यानी हज़रत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के रसूल हैं, और आपको पता है उरुल अज़म पैगंबरों में से हैं, अफजल तरीन रसूलों में से हैं। हज़रत मूसा अलैहि सलाम कलीमुल्लाह हैं। हज़रत मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिल हो जाऊँ। इससे पता लगा कि यानी कुछ ऐसे अमाल हो सकते हैं कि नबी भी कहता है कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिल हो जाऊं। नबी से बढ़कर आलिम कौन होगा? इसका मतलब है कि इल्म के बाद भी जहालत होती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था? हजरत यूसुफ के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया था, अल्लाह ने उन्हें बड़ी हिकमत दी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि ऐ अल्लाह, ये जो औरतें मेरे पीछे लगी हुई हैं, तो ऐ अल्लाह, अगर आपने मुझे इन औरतों से ना बचाया, असबु इलैहिन्ना, मैं इन औरतों की तरफ माइल हो जाऊंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिल लोगों में से हो जाऊंगा। किसने कहा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुझे जेल ज़्यादा महबूब है उससे जिस तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। पहले अज़ीज़ मिस्र की बीवी और फिर बाद में दीगर औरतें शहर की। हज़रत यूसुफ को बुलाया गया उन औरतों के सामने, और उन औरतों ने अपने हाथ काट डाले फल काटने की बजाय, और वो औरतें भी अज़ीज़ मिस्र की बीवी की तरह हज़रत यूसुफ़ को वरगिलाने लगीं, और उनकी चालें, उनके मकर। हज़रत यूसुफ़ ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ये मुझे जेल की धमकी देती हैं, ऐ अल्लाह, मुझे जेल ज्यादा महबूब है उससे जिस तरफ मुझे ये औरतें बुला रही हैं, उस गुनाह से जिसकी तरफ मुझे औरतें बुला रही हैं।
और कहा, ऐ अल्लाह, अगर आपने मुझसे इनकी चाल को दूर न किया, अस्बु इलैहिन्ना, मैं इनके तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं जाहिल हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच रहे थे अभी तक, और आगे भी अल्लाह ने उनको बड़ा किरदार दिया था, वो आगे भी बचते, लेकिन नबियों का काम है, नेक लोगों का काम है, वो अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने ऊपर इतमाद नहीं करते, खुद भी कोशिश करते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अब आप ही मुझे इन औरतों से बचा सकते हैं, अगर आपने मुझे इन औरतों से ना बचाया, कहीं मैं इनके तरफ माइल ना हो जाऊं, कहीं मैं जाहिल ना हो जाऊं। क्या मतलब, इस आयत करीमा से क्या पता लगा जहालत क्या है? अगर फर्ज करें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम माइल हो जाते उनकी तरफ, ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन सबसे समझाने की गरज से, अगर हजरत यूसुफ उनकी तरफ माइल हो जाते तो वो जाहिल हो जाते उस इल्म के बाद और उस हिकमत के बाद जो अल्लाह ने दी थी। हमने पीछे पढ़ा, वलमा बलगा शुद्दहु आतेनाहु हुक्मा व इल्मा। और आपको पता है अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी फरमाया था, ए नूह, आप जाहिलों में से ना हो जाएं। हालांकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के जलील कदर पैगम्बर है। तो दीगर आयात भी हैं। तो जहालत का माना क्या हुआ? जहालत का माना हुआ अल्लाह को नाराज करना, कोई ऐसा काम जिसे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी, ये जहालत है। चाहे वो दीन के मामले में मजाक उड़ाना हो, चाहे वो दीन के अहकाम को कबूल ना करना हो, चाहे वो दीन के अहकाम को जानने के बाद इंसान जो है वो गलत चीज की तरफ माइल हो जाए और गलत चीज का इत्तेकाद कर बैठे, तो ये सब चीजें जहालत है। चलें इसी पर बस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल यहीं से अपनी बात को दोबारा शुरू करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।